आज हम बात करने वाले हैं अगले बुल रन के बारे में, जो जल्दी ही हमको देखने को मिलने वाला है। अगले एक दो साल के अंदर जो है हम बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई भी देख पाएंगे, जैसा कि अब तक चलता आया और अब तक चल रहा है। उस बेस पे अगर हम बात करें तो 2024 की जो बिटकॉइन की हालविंग है, उसके बाद ऑफिशियली कहीं ना कहीं जो बुल रन है वो स्टार्ट हो सकता है बिटकॉइन का, क्योंकि बिटकॉइन का अगर स्टार्ट हो गया तो समझ लो क्रिप्टो मार्केट का स्टार्ट हो गया। लेकिन आज हम बात करेंगे बुल रन की और आप सब की भी, क्रिप्टो बुल रन के अंदर क्या सभी करोड़पति बनने वाले हैं, इस रियलिटी के बारे में बात करेंगे, कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर आप अगले बुल रन की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए और क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इतना इजी नहीं है। सिंपल आप एक चीज़ समझ लो कि क्रिप्टो मार्केट इतना इजी नहीं है कि हर टाइम प्रॉफिट दे, हर टाइम आपको प्रॉफिट मिलता रहे, नहीं। ये क्रिप्टो मार्केट लॉस भी देता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और ऐसा ही है क्रिप्टो मार्केट। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा गवाया भी है, उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम ये बात नहीं करेंगे इस कॉइन ने इतना पंप किया, पंप करते हैं, लेकिन उस कॉइन में पैसा बना कौन रहा है, कौन बनाता है? जब इतना कॉइन में बड़ा पंप आता है 1000% का, 500% का, तो उस कॉइन में पैसा बनाता कौन है? उस कॉइन में पैसा अगर हम देखें तो वेल्स ही बनाती हैं और वेल्स ही गेम करती हैं, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अगले बुल रन की, तो क्या अगले बुल रन में सब करोड़पति बनने वाले हैं? इसका जवाब अगर एक वर्ड में दें तो बिल्कुल नहीं। सब करोड़पति नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे फैक्टर हैं, मैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ, उन फैक्टर्स का आप भी ध्यान रखिएगा। सभी करोड़पति नहीं बनेंगे, जैसा मैंने डिस्कस किया कि इतना इजी नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक ठाक अगर लखपति भी बन जाते हो, एक अच्छा अमाउंट आपको अच्छी वेल्थ बुलरन में मिल जाती है, तो वो भी ठीक है ना। और मैंने आपको कहा कि बुलरन ही एक ऐसा टाइम है जिसमें आप अच्छी वेल्थ बना सकते हो, अच्छा रिटर्न ले सकते हो। नहीं तो आगे पीछे के साल अगर हम छोड़ दें, बुलरन के जो अगला साल आएगा बुलरन के बाद वाला, वो तो और भी भयंकर होगा, ठीक है। मार्केट फिर से गिरेगी जैसा हमने 2022 में देखा, है ना। आपने देखा क्रिप्टो मार्केट में क्रैश भी बड़े भयंकर आते हैं, जब मार्केट गिरती है तो बड़ी भयंकर गिरती है। 2022-2021 बुलरन को देख के, बिटकॉइन को देख के, जब बिटकॉइन का 70,000 का हाई लग गया था, बहुत सारे लोग क्रिप्टो में आ रहे थे, क्या देख के, कि बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई लग गया है, अब बिटकॉइन को कोई नहीं रोक पाएगा, बिटकॉइन नहीं रुकने वाला। बस उस लेवल पे बहुत सारे लोगों ने बाइंग की, बहुत सारे क्रिप्टोस खरीदे। वो होता है फोमो, जो कभी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग फोमो के बारे में समझ गए, लेकिन जो नए न्यू एंट्रीज हो रही थी उस टाइम पे, फोमो को देख के उन लोगों ने बिना सोचे समझे पैसा हाई प्राइस के ऊपर डाला। और 2022 में मार्केट ने जो रंग दिखाया, है ना, वो क्या था, वो सब लॉस बुक करके निकल गए। 2022 की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों का सफाया 2022 के पहले क्रैश नहीं कर दिया था, क्योंकि जो लोग फोमो करके आए थे, जिन लोगों ने फोमो किया, पैसा डाला मार्केट के अंदर, वो उस लॉस को बर्दाश्त कर ही नहीं पाए। उनको एक्सपेक्ट नहीं था कि ये मार्केट में ऐसा लॉस भी दिखता है, मतलब ऐसा क्रैश भी दिखता है, ठीक है। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट अगर इतने बड़े जंप भी दिखाता है तो इतने बड़े क्रैश भी दिखाता है। देखो, दोनों चीज़ों का हमको समझना ज़रूरी है, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और मैं क्रिप्टो में आपको कहता हूँ कि बिल्कुल भी आप कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। कोशिश ये करो, सही स्ट्रेटजी बनाओ और एक स्मॉल अमाउंट, मतलब ठीक ठाक अमाउंट लगाओ। ज़्यादा पैसा, यानी कि पूरा पैसा आप डाल रहे हो, सेविंग्स डाल रहे हो, आप उधार लेके, लोन लेके क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हो, वो गलती तो कभी भी मत करना, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट में मौका मिलेगा तो अच्छी वेल्थ मिल जाएगी, नहीं मिलेगा तो आप अगले मौके की तलाश कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप अपना इतना भयंकर रिस्क मत लेना कि आप पूरा पैसा डाल दो और वो पूरा पैसा, मैं
आपको ये नहीं कह रहा कि उस पूरे पैसे पे आप और अच्छे प्रॉफिट बना लोगे, बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन वो पैसा ज़ीरो भी हो सकता है। देखो मार्केट है और मार्केट कुछ भी कर सकता है। अब अगले बुलरन में जहाँ तक करोड़पति बनने की बात है, अगले बुलरन में करोड़पति सभी कॉइन नहीं बनाएंगे, इसको भी समझना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर कुछ कॉइन्स पे डिपेंड है ना, उन्होंने कुछ कॉइन रखे हुए हैं, 2-3 कॉइन रखे हैं अगले बुलरन के लिए। ना तो वो अच्छे ऑल्ट कॉइन है, उनमें से एक अच्छा ऑल्ट कॉइन होगा, और मान लो उस अच्छे ऑल्ट कॉइन ने एक अच्छा पंप दिखा भी दिया, बाकी दो ने नहीं दिखाया जो आपके पोर्टफोलियो में है, तो आप करोड़पति नहीं बन सकते। अगर आपको करोड़पति बनना है, आपको इस तरह की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। एक तो आपका अमाउंट भी कम लगे, इन्वेस्टमेंट जो है आपका कम हो, और आपके पास जो है कॉइन्स अच्छे खासे हों। अच्छे खासे मीन्स ये नहीं कि आप सभी कॉइन्स खरीद लो, नहीं, ऑल्ट कॉइन्स, डीफाई कैटेगरी, वेब थ्री, इसके अलावा मीम कॉइन्स, बिटकॉइन, इथेरियम तो एवरग्रीन है ही, इनमें से आपको ऐसे कॉइन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि सभी 1,00,000% 50,000% पंप नहीं दिखाने वाले। एक चीज़ आप समझ लो, अगले बुलरन में सभी कॉइन ऐसा पंप नहीं दिखाएंगे। 2021 के मैं बुलरन की अगर बात करूं, उस टाइम पे जो टॉप परफॉर्मर थे 2021 के, वो भी कुछ गिने चुने कॉइन थे, 15-20 कॉइन, ठीक है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि बुलरन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कॉइन आपको 10,000%, 20,000% या 50,000% देंगे। वो कॉइन सिर्फ कुछ कॉइन हो सकते हैं, कुछ गिने चुने कॉइन हो सकते हैं, और उन्हीं गिने चुने कॉइन्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा करोड़पति बनने के लिए। मैं आपको यहाँ पे कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी से वाकिफ करा रहा हूँ कि आपका, ठीक है, डीमोटिवेट करने का कोई यहाँ पे आपको कोई ऐसा मकसद नहीं है। मैं बस आपको रियलिटी से वाकिफ इसलिए करा रहा हूँ कि बुलरन तो आ रहा है, लेकिन वो सबको करोड़पति बना दे ऐसा बुलरन भी नहीं होता है। 2021 के बुलरन की बात करूँ तो कुछ गिने चुने, हमने अपने टेलीग्राम पे भी बहुत बार शेयर किया कि जो जिन कॉइन ने टॉप जो है पंप दिखाया था, वो कुछ गिने चुने कॉइन थे। अब आपके पोर्टफोलियो में मान लो 10 कॉइन है, 20 कॉइन्स हैं, 30 कॉइन्स हैं, ठीक है, उनमें से मान लो आपको 2 कॉइन्स ने बड़ा पंप दिखा दिया, 3 ने दिखा दिया, है ना, और उनमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हुआ आपके पोर्टफोलियो के मुकाबले, तो फिर भी अगर वो 3 कॉइन आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे देंगे, लेकिन बाकी जो कॉइन्स हैं जिन्होंने अच्छा पंप नहीं दिखाया और उनमें आपका अच्छा खासा पैसा था, तो वही बात होगी, अच्छा खासा पैसा तो डाला लेकिन उन कॉइन्स ने बड़े जंप नहीं दिखाए, ठीक है। और हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसी वीडियो लेके आए जिसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स हम चाहते हैं, बहुत सारे जो कॉइन्स के बारे में आप सब जानना चाहते हो कि ये कॉइन अगले बुलरन में क्या टारगेट हिट कर सकता है, और ये भी सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन होगी, ठीक है, ये भी हमारी रिसर्च होगी, और अगले बुलरन में क्या कुछ होगा ये सिर्फ बुलरन का टाइम ही बताएगा। लेकिन अगर आप बिना देखे बिना सोचे समझे कोई भी कॉइन खरीद रहे हो, रख रहे हो बुलरन के लिए, तो ऐसा तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। अगर आपको करोड़पति बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और अगले बुलरन में सभी करोड़पति नहीं बनेंगे। जो पूरी मेहनत, स्ट्रेटजी और पूरा, कहते हैं ना, क्रिप्टो मार्केट में भी बहुत मेहनत लगती है, करोड़पति मार्केट ऐसे नहीं बना देता, वो लक वाला सीन सिर्फ वेल के साथ होता है, जो इस ट्रेडर ने, इस वेल ने $1,000 डाला और $1,000,000 बना लिया, वो सीन, वो नज़ारे सिर्फ एक वेल के साथ होते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर के साथ ऐसा नहीं होता। अगर कोई लक हुआ तो आप $10 से भी मिलियंस ऑफ डॉलर बना सकते हो, जो कि अपने आप में करोड़ों रुपए हो गए, लेकिन ऐसा लक काम नहीं करता है मार्केट के अंदर, ठीक है। चला तो चला, नहीं चला तो उसके बाद तो एक ही ऑप्शन है, रिसर्च स्ट्रेटजी, और जितना भी अमाउंट है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, आपने ऑलरेडी खरीद रखा है डिप के अंदर, तो बस उसको इतना ही कहूँगा, थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, किस कॉइन में करना है, ये अगले बुलरन में कितने टारगेट हिट कर सकता है, हर चीज़ को आप समझिए। हमको अगले बुलरन का टारगेट लेके चलना है कि उस कॉइन में बड़ा पंप आएगा या नहीं आएगा। जिस कॉइन में बड़ा पंप नहीं आएगा उसको खरीदने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब रिसर्च कीजिए,
बाकी हम भी आपको अपडेट करेंगे कि कौन से कॉइन बड़े जंप लगा सकते हैं, कौन से कॉइन्स बड़े जंप नहीं भी लगा सकते, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे, और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।